आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप ट्रस्ट वॉलेट के अंदर अपना नया अकाउंट कैसे बना सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल और आसान सा तरीके, आपने क्या करना है, अपने मोबाइल के अंदर प्ले स्टोर से ट्रस्ट वॉलेट ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने ट्रस्ट वॉलेट ऐप को ओपन करना है। ऐप को ओपन करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आप लोग को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, एक है क्रिएट न्यू वॉलेट का और एक है ऐड एग्जिस्टिंग वॉलेट का। अगर आपका पहले से बना है तो आप ऐड एग्जिस्टिंग वॉलेट पर क्लिक करें, लेकिन मैं इस वीडियो के अंदर नया वॉलेट बनाऊंगा तो इसलिए यहाँ पर मैं क्रिएट न्यू वॉलेट पर क्लिक करूंगा। तो आपने भी नया वॉलेट बनाना है तो यहाँ पर आपने क्रिएट न्यू वॉलेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है, बाकी ऑप्शन को आपने नहीं छेड़ना। यहाँ पर मैं क्रिएट न्यू वॉलेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ना सीक्रेट फ्रेज होते हैं, इनको आपने जो है वो अपने पास महफूज करना होता है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, एक है बैकअप मैन्युअली, आप मैन्युअली जो है इसका बैकअप लेना चाहते हैं, और दूसरा बैकअप गूगल ड्राइव, ठीक है। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप बैकअप मैन्युअली पर क्लिक कर दें, ठीक है, यहाँ पर मैं भी क्लिक कर देता हूँ। तो उसके बाद इन तीनों को जो है वो आपने चेक मार्क कर लेना है और उसके बाद आपने कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ये है वो सीक्रेट फ्रेज जिनको आपने महफूज करना है। अगर ये आपके पास सीक्रेट फ्रेज नहीं होंगे तो ऐसे समझ लें कि आपका अकाउंट आपसे चला गया, ठीक है। तो एक तो यहाँ से इसको जो है वो कॉपी कर लें, कॉपी टू क्लिप बोर्ड पर क्लिक करके, और या फिर जो है वो आप किसी और मोबाइल से इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर जो है वो मैनुअली किसी कागज़ पर अपने पास लिख लें, ठीक है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप इसको कंटिन्यूसली यूज़ करना चाहते हैं अपने अकाउंट को, तो इसको मैनुअली जो है वो किसी जगह पर लिख लें। तो खैर यहाँ पर जो है मैंने कॉपी कर ली है और मैं किसी जगह पर लिख भी लेता हूँ। और उसके बाद आपने क्या करना है, कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कंफर्म सीक्रेट फ्रेज, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, प्लीज़ टैप ऑन द करेक्ट आंसर ऑन द बिलो सीट फ्रेज। वर्ड वन जो था वो क्या था, वर्ड फोर क्या था, वर्ड सेवन क्या था और वर्ड एट क्या था, वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करने। अब मैंने मैन्युअली जो है वो अपने पास रखे थे तो वो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। तो आपने जो है वो अपना जहाँ पर नोट किए हैं वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेने हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने अपने वर्ड सेलेक्ट कर लिए, आपने बिल्कुल ठीक सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। जो भी आपका जो पहले मैंने आपको बताया था ना सीक्रेट फ्रेज, उनमें देख लेना है कि आपका वर्ड क्या वन था, वर्ड फोर क्या था, वर्ड सेवन क्या था, वर्ड टेन क्या था, तो वो यहाँ पर आपने बिल्कुल ठीक सेलेक्ट करने। अगर आप गलत सेलेक्ट करेंगे तो आपका अकाउंट नहीं बनेगा, ठीक है। उसके बाद आपने कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना जब यहाँ पर सेलेक्ट कर लें, और उसके बाद यहाँ पर आपने अपना एक पासवर्ड क्रिएट करना है 6 डिजिट का, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपना एक पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूँ और उसके बाद आपके पास कंफर्म वाला ऑप्शन आएगा तो आपने दोबारा जो है वो कंफर्म पासवर्ड क्रिएट करना, तो यहाँ पर मैं दोबारा क्रिएट कर लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर जैसे ही आप लिखेंगे ना कंफर्म में अपना पासवर्ड 6 डिजिट का, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि बायोमेट्रिक लॉगिन, तो आप यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक कर दें, ठीक है। और यहाँ पर अभी मेरी बायोमेट्रिक है तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा अकाउंट जो है वो सक्सेसफुली बन गया है, ठीक है। इस तरह आप जो है वो ट्रस्ट वॉलेट के अंदर अपना अकाउंट बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपके जो है वो कुछ टोकन या जो कॉइन है वो अनेबल है, अगर आप बाकी अनेबल करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके यहाँ से अनेबल कर सकते हैं और डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है। यूएसडी या जो भी आपने अनेबल डिसेबल करने सर्च बार में लिख के आप जो है वो कर सकते हैं। खैर इस तरह आप जो वो ट्रस्ट वॉलेट का अपना अकाउंट बना सकते हैं, इसके ऊपर आपका बैलेंस यहाँ पर शो होता है। तो वीडियो शेयर के वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।